वेलकम स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी कथा साहित्य नाम का पेपर, जो कि बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर में शामिल है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स है इसका। पहले आप लोग सिलेबस टैली कर लीजिए बेटे। आपकी चार इकाइयां हैं इसमें टोटल। पहली इकाई है उपन्यास स्वरूप और संरचना, जो कि हम कर चुके हैं, अलग से वीडियो है। दूसरी इकाई है गबन, जो कि प्रेमचंद का उपन्यास है, इसे हम करेंगे अभी। तीसरी इकाई है कहानी स्वरूप और संरचना, ये भी अभी हम करेंगे। चौथी इकाई में आपकी पांच कहानियां हैं, इन कहानियों की समीक्षा, इनके लेखकों के परिचय वगैरह अब हम लोग करेंगे। कहानियां अगर आप लोग पूरी पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको अवेलेबल है, पाँचों की पाँचों अलग अलग वीडियो में बेटे। छोटी छोटी कहानियां हैं, मेरा सजेशन ये है कि एक बार आप पढ़ लीजिए। कहानियां हैं पर्दा यशपाल की, रोज, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर की, दाजियो शेखर जोशी की और हरी पिंडी मृदुला गर्ग की। ये पांच कहानियां आपके थर्ड सेमेस्टर के हिंदी कथा साहित्य नाम के पेपर में शामिल की गई हैं, जो कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स है। पहला जो इसका यूनिट है, पहली इकाई जो है वो हम लोग कर चुके हैं, इसलिए अब हम करेंगे दूसरी इकाई। दूसरी इकाई में आपको दिया गया है गबन नाम का उपन्यास, जिसे कि प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो पहले हम लेखक का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं, क्योंकि आपको कहीं भी आप करेंगे काम तो लिखने के लिए जरूरत पड़ेगी। प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय है, सन 1880 में बनारस के लमही नामक ग्राम में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए थे, ये गरीब परिवार था। बचपन इनका बहुत आर्थिक तंगी में बीता। जब ये 5 वर्ष के थे तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई और सौतेली माँ का इनको कठोर व्यवहार सहना पड़ा। उर्दू के अच्छे जानकार थे, बल्कि इन्होंने लिखना जो शुरू किया वो उर्दू से ही किया था। उर्दू में इन्होंने लिखा था सोजे वतन, जिसमें पांच कहानियां थे बीते। उन पांच कहानियों को पढ़ते हुए अंग्रेजों को ऐसे लगा कि ये तो हमारी सरकार के खिलाफ गद्दारी है। उस वक्त ये सरकारी नौकर हुआ करते थे, तो सरकार ने इनका वो सोजे वतन एक तरीके से जब्त कर लिया था और कहा था कि आगे से आप जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं लिखेंगे। 15 वर्ष की आयु में इनके विवाह हो गया था, इनका इनकी शादी हो गई थी और इनके पिता की मृत्यु भी उसी दौरान हो गई थी। सहायक अध्यापक की इनको नौकरी मिली थी, जहाँ पर ये डिप्टी इंस्पेक्टर तक बने। इसी बीच इन्होंने पहली पत्नी को छोड़ करके शिवरानी नामक एक विधवा थी, जो कि इनके रिश्ते में भाभी लगा करती थी, उनसे विवाह कर लिया था। विधवा थी, नवाब राय के नाम से इन्होंने उर्दू में लेखन रखा। उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। देश प्रेम पर लेखन के कारण ब्रिटिश सरकार ने आपत्तिजनक मानकर इनका कंटेंट सारा का सारा जब्त कर लिया था और इनके लिए हुक्म हुआ था कि वो सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं लिखेंगे। हिंदी साहित्य को तिलिस्म और अय्यारी रचनाओं से मुक्ति दिलाकर समाज हित का व्यापक आधार इन्होंने प्रदान किया था बेटे। इनसे पहले तिलिस्म की कहानियां, अय्यारी की कहानियां, पौराणिक कहानियां, राजाओं की कहानियां, सब यही चल रहा था। कोई भी आम आदमी के बारे में नहीं लिख रहा था। तो इनके आने से, इनके लिखने से आम आदमी की कहानी, किसान की कहानी, मजदूर की कहानी, एक आम महिला की कहानी लोगों को पढ़ने को मिली। लोगों ने उसके साथ कनेक्ट किया। इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि मिली हुई है बेटा, इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद जी ग्रामीण जीवन के बहुत निकट है इनका साहित्य, उसी तरह की इनकी भाषा है। भाषा इनकी हमेशा सरल सहज रही है, मुहावरे लोकोक्तियों का ये भरपूर इस्तेमाल करते हैं और हमेशा ही बहुत भावनात्मक इनकी कहानियां और उपन्यास होते हैं। तो जो इनकी कहानी है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी गबन जो है, ये आप लोग देखेंगे जो उपन्यास है इनका, ये पूरा उपन्यास है गबन नाम से। इसमें क्या होता है कि इसको मैंने आपके लिए कहीं भी वीडियो शेयर नहीं किया है, क्योंकि बेटा आप लोग जानते हैं कि उपन्यास बहुत लंबा चौड़ा होता है, उतना बड़ा शेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो कहानी को मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपके लिए लेकर के आई हूँ यहाँ पर। आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा उपन्यास पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपका इससे काम चल जाएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनके हम लोग व्याख्या के अलग से एक वीडियो बना लेंगे, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सारी कहानियों के और उपन्यास के व्याख्या क्या, मैं अलग से वीडियो बना दूँ।
कहानी शुरू होती है जालपा अपनी सखियों के साथ झूला झूल रही है। वह उनकी माताएं कोई फेरी वाला कोई बंजारा आता है सामान बेचने वाला, जैसे गांव में क्या होता है बेटे कि महिलाओं के सामान चूड़ी बिंदी ये सब बेचने के लिए लोग पोटली में बांध करके लेकर के आते हैं और महिलाएं उसे खरीदती। तो जालपा और कई सखियां आकर के उस बंजारे फेरी वाले से अपनी पसंद की चीजें खरीदने लग जाती हैं। जालपा को एक चंद्रहार पसंद आता है पर उसकी माँ मानकी कहती है कि इस चंद्रहार की चमक तो ज्यादा दिन तक टिके भी नहीं, उसे उसकी चमक पड़ लेकर के शंका है कि ज्यादा दिन ये नहीं चलेगा, जल्दी ये खराब हो जाएगा। तो फेरी वाला कहता है कि 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा, यानी कि कुछ दिन में जब इसकी शादी होगी तो इसको असली चंद्रहार मिल जाएगा, इतने इसका मन रह जाने दीजिए, लेकिन वो नहीं खरीदती है। यहाँ से जालपा के मन में असली चंद्रहार के लिए लालसा जाग जाती है कि अरे मुझे तो असली चंद्रहार मिलने वाला है। जालपा के पिता दीनानाथ दयानाथ के पुत्र रमानाथ के साथ उसका विवाह तय कर देते। दीनानाथ नाम है जालपा के पिता का और दयानाथ नाम है रमानाथ के पिता का, जो कि जालपा का होने वाला पति है। बारात आती है लेकिन चढ़ावे के आभूषणों में चंद्रहार नहीं होता, इससे जालपा बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। सखियों के समझाने पर फैसला करती है कि अपने पति और ससुर से चंद्रहार लेकर ही रहेगी। ससुराल पहुंचने पर वो सबसे पहले घोषणा यही करती है कि चंद्रहार नहीं मिलेगा तब तक मैं कोई भी आभूषण नहीं पहनूंगी, मुझे चंद्रहार चाहिए। दयानाथ जो है यानी कि जो जालपा के ससुर हैं वो कचहरी में 50 रुपये मासिक पर काम करते हैं, 50 रुपये उनकी तनख्वाह है और वो रिश्वत खोरी को बहुत गलत मानते हैं इसलिए रिश्वत लेते रहे, और पुत्र के विवाह में ना चाहते हुए भी अपनी सीमा से ज्यादा खर्च कर चुके हैं, क्योंकि पुत्र भी जो है उनका वो भी बहुत दिखावा पसंद है, कभी अपने दोस्तों के कपड़े पहन लेता है, कभी किसी के कोई कुछ मांग लेता है, कभी कुछ, मतलब वो भी पूरा दिखावा पसंद है बेटा उनका। आभूषण भी अभी उधार लेकर के बनाए गए हैं शादी के लिए। अब क्योंकि रमानाथ अपने घर की झूठी अमीरी की चर्चा जालपा से कर चुका है कि हम तो इतने अमीर हैं, मेरे पिताजी इतने अमीर हैं, मैं इतना अमीर हूँ, इसलिए अब जालपा से गहने वापस मांगना बहुत मुश्किल लगता है उसे, वो नहीं मांग पाता है। आखिरकार रात को वो जालपा के गहने चुरा लेता है, खुद ही चुरा लेता है रमानाथ। जालपा इस चोरी से बहुत दुखी हो जाती है, उसको बड़ा कष्ट होता है, कोई भी हो किसी के घर में चोरी हो जाए तो उसे दुख होता ही है। कुछ समय के बाद वो अपने मायके जाने की बात करती है तो रमानाथ उससे कहता है कि जल्दी ही वो कोई नौकरी करेगा और उसे रमेश नाम का उसका कोई साथी है उसे चुंगी क्लर्क की नौकरी दिलवा भी देता है, जहाँ ऊपर की आमदनी की भी अच्छी खासी सुविधा है। रमानाथ गंगू सुनार से जालपा के लिए चंद्रहार और शीशपुर उधार लेकर के आ जाता है और जब उसे पहली बार उधार मिल जाता है तो धीरे धीरे उसे कर्ज लेने की आदत पड़ जाती है। अब वो जालपा के लिए कुछ ना कुछ लाता ही रहता है और सभी कुछ वो उधार लेकर के आता है। इसी लोभ में उसकी बेईमानी बढ़ती चली जाती है। एक बार इंदुभूषण नाम के वकील हैं, उनकी पत्नी रतन को जो है इसके कंगन पसंद आ जाते हैं, जालपा के जड़ाऊ कंगन बहुत अच्छे लगते हैं, तो कहते हैं उससे जालपा और रमानाथ कि हम आपके लिए भी ऐसे कंगन बनवा देंगे। वो उन्हें पैसे देते हैं, 300 रुपये देते हैं, तो उन पैसों को कर्ज चुकाने के चक्कर में रमानाथ गंगू सुनार को दे देता है और इस तरीके से वो गबन का आरोपी बन जाता है, क्योंकि जिससे पैसे लिए उसकी चीज भी नहीं दी और पैसे भी वापस नहीं किए, इस तरीके से वो गबन के केस में फंस जाता है, उस पर पुलिस केस हो जाता है। अब गबन से जब उसके ऊपर पड़ता है और वो बेइज्जती होने का डर होता है उसको कि जालपा क्या कहेगी, पिताजी क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो बहुत बड़बोला आदमी है, तो देवीदीन नाम के एक व्यक्ति के साथ कोलकाता भाग जाता है। इसी बीच एक दिन अखबार में एक शतरंज महिला वहां पर आकर के देवीदीन के पास आने के बाद देवीदीन और उसकी पत्नी बहुत समझाते हैं इसको कि तुम अपने घर वापस चले जाओ, लेकिन वो नहीं जाता है। इसी बीच अखबार में एक शतरंज पहेली आती है जिसको हल करने के उसे 50 रुपये का इनाम मिलता है रमानाथ को। अब इन 50 रुपये से वो देवी दिन की मदद से वहीं पर कोलकाता में ही एक चाय की दुकान खोलता है, लेकिन वहां पर वो अपनी नासमझी के कारण अपनी लापरवाही के कारण पुलिस के हाथ लग जाता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। और पुलिस जब उसे पकड़ लेती है तो उसे रमानाथ को जो है पुलिस रमानाथ को झूठी गवाही देने के लिए तैयार कर लेती है किसी केस में कि तुम्हें झूठी गवाही देनी है। वो मान जाता है, पहले मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है। रमानाथ को क्यों मान क्यों जाता है, क्योंकि उसके ऊपर दबाव है कि तुम गबन के आरोपी हो, हम तुम्हें पकड़ लेंगे, इसलिए वो मान जाता है। और साथ में उसको ये भी कहा जाता है जालपा जो वहाँ आ चुकी है उसकी कहानी बीच में आएगी, तो जालपा को तंग करने की भी उसको धमकी दी जाती है कि हम जालपा को भी वहाँ पर परेशान करेंगे।
इसलिए वो झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। रमानाथ को पता चलता है कि बाद में पता चलता है कि उसकी पत्नी ने अपने गहने बेचकर उसके गबन की पूरी रकम चुका दी है। यहाँ तक वो लोअर कोर्ट में झूठी गवाही दे चुका है। जब वो झूठी गवाही दे चुका है छोटी कोर्ट में, छोटी अदालत में, उसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने तो अपने सारे गहने बेचकर उसके गबन की जो रकम थी वो पूरी चुका दी है, लेकिन पुलिस ने उसको अंधेरे में रखा हुआ है। पुलिस ने उसको नहीं बताया कि तुम्हारी गबन की रकम चुक गई है। इसके बाद जालपा उसे मना करती है कि तुम ये झूठी गवाही मत दो, लेकिन क्योंकि वो छोटी अदालत में गवाही दे चुका है इसलिए अगर अब अपनी बात से पलटता है तो वो फंस जाएगा, वो उसे आगे भी गवाही देनी पड़ती है। उससे क्या होता है, हाँ आगे अंत में भेद खुलता है कि जालपा जानती थी कि रमानाथ कहाँ है, रमानाथ कहाँ पर है, ये भेद खुलता है। और वो अखबार में जो शतरंज पहेली आई थी वो भी जालपा ने ही छपवाई थी, क्योंकि उसे पता था कि इस पहेली को सिर्फ रमानाथ ही हल कर सकता है और उसे 50 रुपये मिल जाएंगे। रमानाथ कहता है कि वो झूठी गवाही नहीं देगा, लेकिन पहले वो झूठी अदालत में गवाही दे चुका है। तो जालपा को भी तंग करने की उसको धमकी दी जाती है, तो उसे झुकना पड़ता है। उसकी गवाही के कारण निर्दोष 6 लोगों को कठिन कारावास की सजा होती है, जेल हो जाती है, और एक दिनेश नाम के युवक को तो फांसी की ही सजा हो जाती है। अब जब दिनेश को फांसी की सजा हो जाती है तो उस वक्त जालपा को बहुत ज़्यादा ग्लानि होती है कि मेरे पति के कारण उनको सजा हो गई है। तो वो दिनेश के परिवार की देखभाल करती है, उनकी सेवा करती है, और अंत में भेद खुलने पर सभी निर्दोष छूट जाते हैं जो जेल में थे, और रमानाथ भी छूट जाता है। अब रमानाथ पूरी तरह से बदल चुका है, खेती करता है और अपने गांव में रहता है। कोई दिखावा पसंद की जो चीज़ें थी उसकी वो सब खत्म हो गई हैं। ये थी कहानी उपन्यास गबन की। अब इसकी हम समीक्षा कर लेते हैं। गबन की मूल कथा रमानाथ और जालपा से संबंधित है। तो मूल पात्र इसके जो है मुख्य पात्र रमानाथ और जालपा हैं, जो प्रयाग में जालपा और दयानाथ आदिता तथा कलकत्ते में देवीदीन जग्गो और जोहरा के साथ विकसित होती है। यहाँ जोहरा का मैंने आपको नहीं बताया बेटा, जोहरा के बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगी। रमानाथ एक बड़बोला लड़का है। वो एक ऐसा नवयुवक है जो पिता के खर्च ना देने पर कॉलेज छोड़ देता है और अन्य युवकों की तरह फैशन परस्त, फिजूल खर्च, प्रदर्शन प्रिय और दुर्बल प्रकृति का लड़का है। जालपा शुरू से ही आभूषण प्रेमी है, प्रदर्शन प्रिय है, आत्म केंद्रित महिला है, जो बाद में कर्तव्य परायण और सेवानिष्ठ नारी में बदल जाती है कहानी के खत्म होते। रमानाथ के घर से भागने से पहले जालपा एक बिल्कुल सामान्य महिला है, लेकिन बाद में चंद्रहार बेचकर रमानाथ के गबन के पैसे चुकाना, सुनार को रुपए देने के लिए रतन को कंगन बेचना, शतरंज की पहेली प्रकाशित करवाना, पति के लिए कोलकाता पहुंचकर स्थितियों का निर्भय होकर सामना करना, रमानाथ की गवाही के कारण फांसी की सजा पाने वाले दिनेश के परिवार की सेवा करना, ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो जालपा के चरित्र की विशेषताएं प्रकट करती। किसी भी उपन्यास की जब बेटा समीक्षा करते हैं उसके 5 सोपान होते हैं, प्रारंभ, विकास, संघर्ष, चरम बिंदु और उपसंहार। तो प्रारंभ जो है, गबन का आरंभ जो हुआ है वो बहुत प्रभावशाली हुआ है। बरसात के दिन, सावन का महीना, पाठक आने वाली स्थिति से स्वयं जुड़ जाता है। झूला झूलती जालपा का चंद्रहार लेना उसकी रुचियों से परिचय कराता है। शुरुआत यहाँ से हो रही है कि बरसात का दिन है, सावन का महीना है और लड़कियां झूला झूल रही हैं। इसी बीच एक फेरी वाला आता है जिसे आकर के सारी महिलाएं और लड़कियां घेर लेती हैं। वहां पर जालपा को एक चंद्रहार पसंद आता है। विवाह के समय कहाँ चंद्रहार ना मिलने से कथानक का विकास होता है। विकास हुआ है जब वो लड़की तैयार हो गई है, ठीक है मैं ये चंद्रहार नकली चंद्रहार नहीं लेती, मुझे असली चंद्रहार विवाह में मिलेगा। लेकिन विवाह में उसे जब चंद्रहार नहीं मिलता है तो जालपा चंद्रहार के लिए हट करती है, जिद करती है, उसे तसल्ली दी जाती है कि तुम जा करके अपने पति से ससुर से चंद्रहार ले लेना। और जा करके वहाँ पर वो हट करती है। रमानाथ उसे आश्वासन देता है कि तुम्हें मैं चंद्रहार दिलवा दूंगा। और जब वो चंद्रहार नहीं दिलवा पाता है, उल्टा पहले का ही कर्जा नहीं चुका पा रहा है, तो आभूषण चोरी कर लेता है। जो ये सारा का सारा कथानक के विकास की स्थितियां हैं। इसके बाद रतन को केवल रुपए दिखाने की भावना से म्युनिसिपैलिटी का धन घर लाना और रमानाथ का घर से भागना संघर्ष का सूत्रपात है। यहाँ संघर्ष है। पुलिस से एक पंजे से रमानाथ बाहरी और भीतरी संघर्ष से जूझता है। भीतरी संघर्ष है उसका कि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस कर रहा है जालपा के सामने, अपने मित्रों के सामने। जालपा रमानाथ को खोजने के लिए प्रयत्न करती है और उसे ढूंढने के न्याय पर रास्ते पर लाने के लिए संघर्ष करती है। अखबार में पहली छपवाती है, ये सारी के सारे, और साथ में ये जो सारी बातें हैं ये संघर्ष है। दूसरी ओर रमानाथ आंतरिक संघर्ष से गुजरता है, एक और गबन के कारण
उसको जो दंड मिलने वाला है, और दूसरी ओर उसने झूठी गवाही दी है जिसके कारण दिनेश को फांसी हो गई है, 6 बेगुनाह लोगों को जेल हो गई है। इस कारण वो संघर्ष से जूझता है, उसे अंदर जो है अंदर से ग्लानि होती है। चौथा होता है चरम बिंदु। जब रमानाथ को पता चलता है कि उसकी झूठी गवाही के कारण फांसी का दंड पाने वाली दिनेश की वृद्ध माँ बेबस पत्नी और नन्हे बच्चों की सेवा करने के लिए जालपा अपने आप को डुबो देती है बिल्कुल, और उसकी गवाही को बदल देता है बाद में। वो फिर जब वो देखता है कि मेरी पत्नी दिनेश के परिवार की सेवा कर रही है तो अपनी गवाही बदल देता है, और उपसंहार होता है जब सभी की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जोहरा का त्याग पूर्ण बलिदान अंत में पाठक के मन को करुणा से भर देता है। रमानाथ और जालपा शांतिमय संगीत की ओर जीवन की ओर अग्रसर। जालपा बेटा एक नर्तकी थी जो कि कोलकाता में थी, जिसको इस उपन्यास में कहीं रमानाथ के लिए मोह पैदा हो गया था। कहानी खत्म होने से पहले सभी लोग एक साथ आ जाते हैं यहाँ पर गांव में रहने के लिए। देवी दीन, देवी दीन की पत्नी, जालपा और जोहरा, सभी के सभी लोग आ जाते हैं गांव में रहने लग जाते हैं। अभी जब हम कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में आप पढ़ पाएंगे। कथा शिल्प, कथा संकेत आयोग आदि का प्रयोग है। कथा संकेतों का इस्तेमाल किया गया है, संयोगों का इस्तेमाल किया गया है इस कथा शिल्प में। रमेश बाबू के साथ शतरंज में मोहरे पिटना रामानाथ की आने वाली हर हार का प्रतीक है, ये संकेत है। इस तरह से प्रतीक का इस्तेमाल किया है। रमेश बाबू के साथ रामानाथ शतरंज खेल रहा है और वहां पर उसका हर मोहरा पिट रहा है, वो लगातार हार रहा है। यहाँ से सिंबल दे दिया जाता है पढ़ने वालों को कि अब रमानाथ लगातार हारता जाएगा, उसका बुरा समय शुरू हो गया है। कथानक में रोचकता के साथ साथ घटनाक्रम में परिवर्तनशीलता। कथानक रोचक है और लगातार उसमें ट्विस्ट आते रहते हैं, स्पॉयलर्स आते रहते हैं बीच बीच में। नाटकीय व्यंग्य कथानक को रोचक बनाते हैं, बीच बीच में व्यंग्य हैं जो कि कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लोग बीच में उपन्यास के बीच में हंस भी पाते हैं। पूर्व दीप्ति शैली यानी कि फ्लैशबैक का इस्तेमाल कथानक के हाल को जगाता है। फोटो भी इस्तेमाल किए गए हैं, पत्र शैली का भी इस्तेमाल किया गया है। सभी घटनाएं और स्थितियां सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध हैं। कोई भी कहानी में ऐसा नहीं लगता कि कोई कड़ी कहीं से कहीं टूट रही है। सभी की सभी स्थितियां, सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई चलती हैं। घटनाएं काल्पनिक होते हुए भी स्वाभाविक लगती हैं, जो कि कथानक में विश्वसनीयता जगाती हैं। लोगों को रिलायबल लगता है, कैसे लगता है पढ़ने में कि जैसे वाकई में ये कोई सच्ची घटना है, क्योंकि जो रमानाथ और जालपा हैं ये कहीं ना कहीं समाज के ही युवा युवतियों के प्रतीक हैं। ऐसे बहुत से लोगों के हमारे समाज में जिनको सिंबलाइज कर रहे हैं। गबन उपन्यास का कथानक प्रत्येक कसौटी पर खरा होता है। पात्र योजना और चरित्र चित्रण, पत्रों की में जो है पात्रों की संख्या लगभग 50 है, जिनमें से मुख्य पात्र 10 हैं, बाकी सभी गौड़ पात्र हैं। मुख्य पात्र कौन कौन है? रमानाथ, दयानाथ, देवी दीन, रमेश बाबू, इंद्रभूषण, वकील, ये 5 पुरुष पात्र हैं जो कि यहाँ पर मुख्य पात्र हैं, और 5 स्त्री पात्र हैं, इनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। जालपा, रतन, जोहरा, जग्गो और जागेश्वर, ये 5 महिला पात्र हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सभी के सभी पात्र अपने अपने वर्ग को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरीके से अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वर्गगत पात्र अपने वर्ग के अनुसार ही व्यवहार करते हैं, उनका जीवन स्वभाव और काम अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। रमानाथ, दयानाथ, दीनदयाल, इंद्रभूषण वर्गगत पात्र हैं, जबकि जालपा, देवी दीन, जोहरा व्यक्तिगत पात्र हैं। स्थिर और गतिशील पात्र, पात्रों की कसौटी क्या होती है? पहले तो हम देखते हैं पात्र कैसे कैसे होते हैं। वर्गगत होते हैं और व्यक्तिगत होते हैं। किसी भी कहानी में, किसी भी उपन्यास में पात्र 2 तरह के होते हैं। या तो वर्गगत होते हैं, किसी पूरे समाज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या फिर वो इंडिविजुअल होते हैं, वो सिर्फ अपनी बात कर रहे होते हैं, उनके जैसा कोई और नहीं होता है, या होता भी है तो भी वो अपने आप में अनोखे होते हैं। तो इस कहानी में रमानाथ, दयानाथ, दीनदयाल, इंद्रभूषण ये सब वर्गगत पात्र हैं। रमानाथ जो है वो दिखावा पसंद लोगों का एक तरीके से प्रतीक है, दयानाथ जो है वो ईमानदार लोगों का प्रतीक है, दीनदयाल जो है वो एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो स्वदेशी को पसंद करता है, स्वाभिमानी व्यक्ति है, जिसकी संतानें जिसकी संतानों की मृत्यु हो चुकी है। इंद्रभूषण एक वकील है और एक काफी बड़ी उम्र में वो एक छोटी महिला के साथ शादी करता है। ये सभी के सभी वर्गगत पात्र हैं, जबकि जालपा वर्गगत पात्र होती अगर आखिर तक दिखावा पसंद रहती। जालपा एक आम लड़की है, देवी दीन और जोहरा व्यक्तिगत पात्र हैं ये सारे के सारे। स्थिर और गतिशील पात्र कहते हैं, स्थिर पात्र वो होते हैं
जो कि किसी कहानी में अंत तक वैसे ही रहते हैं जैसे वो थे, और गतिशील पात्र वो होते हैं जिनकी आखिर तक आते आते व्यवहार में बदलाव आ जाता है। तो कहानी में अधिकतर पात्र जो है वो गतिशील हैं। प्रेमचंद ने पात्रों की चारित्रिक विशेषता मानव गुणों और अवगुणों के आधार पर सजीव चित्रण अंकित किए हैं। शारीरिक चेष्टाएं, सिर हिलाना, मुस्कुराना, कातर स्वर में बोला, धीमी आवाज में बोली, ऐसे शब्दों के, ऐसे वाक्यों के द्वारा उन्होंने कहानी को विस्तार दिया है। प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। रमानाथ केंद्रीय पात्र है, सामान्य गुणों से भरपूर एक युवक है, कल्पना में जीने वाला लड़का है, प्रदर्शन प्रिय है, लालची भी है, निश्चल प्रेमी है लेकिन अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता है, लालची है इसलिए रिश्वत लेता है, दिखावा पसंद है, अपने दोस्तों के कपड़े पहन लेता है, कभी कुछ करता है, कल्पनाओं में जीता है, उसको लगता है कि किसी दिन मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, स्वच्छंद विचारधारा है उसकी, वो पुरानी सोच का व्यक्ति नहीं है, विवाह पर भी वो काफी दिखावा करता है, कर्ज लेकर के आभूषण बनवाता है, बहुत ज्यादा धूमधाम से अपनी शादी करता है, अहमवादी है, जब उसे ये लगता है कि मेरा गबन पकड़ा जाएगा तो भाग जाता है, अपनी परिस्थितियों का सामना नहीं करता है, साथ में अहमवादी इतना है कि वो पत्नी से जेवर मांगता नहीं है, उल्टा जब जरूरत पड़ती है तो उन्हें चुरा लेता है, असत्यवादी भी है, झूठ भी बोल लेता है जगह जगह पर, वो स्वाभिमानी भी बहुत ज्यादा है और प्रायश्चित की भावना भी लेकिन उसके अंदर आ जाती है आखिर तक आते आते। तो ये था रमानाथ का चरित्र चित्रण। जालपा सत्प्रेरणा की स्रोत है क्योंकि आखिर में जब हम देखते हैं तो वो दिनेश के परिवार की सेवा में अपने आप को पूरी तरह से लीन कर देती है। सुंदर कन्या है जिसके कोमल कंठ, मधुर भाषण, शीतलता, विनयी स्वभाव रमानाथ को मोहित करते हैं। बहुत ही सुंदर सुशील कन्या है जालपा, आभूषण प्रिय है, आमतौर पर लड़कियां आभूषण प्रिय होती हैं, लोगों को ज्वेलरी पसंद होती है लड़कियों को, तो वो उसे भी प्रिय है, सरल स्वभाव की लड़की है, वाक्पटुता, हाजिर जवाब भी उसके अंदर है और लोगों को हर बात का बड़ा बुद्धिमत्ता से जवाब देती है, बुद्धिमती है, बुद्धिमान है, इसीलिए वो एक पहेली बना करके अखबार में भेजती है, तो अपने पति की जानते हुए भी कि वो कहाँ पर है वो उसको जताना नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, वो अखबार में एक शतरंज की पहेली छपवाती है, उसे हल करने पर वो 50 रुपए का इनाम उसके नाम मनी ऑर्डर कर देती है रमानाथ के, जिससे वो चाय की दुकान खोल लेता है। इस तरीके से वो ये नहीं चाहती कि मेरा पति मेरे ही पास रहे, वो तब भी उसका पास में ना रहते हुए भी उसका हित चाहती है। तो इस तरीके से वो बुद्धिमती भी है और सहनशील भी है, आदर्श अनुकरणीय नारी है, एक ऐसी नारी है जिसका अनुकरण किया जाना चाहिए। आदर्शवादी है, आदर्शों का पालन करती है, जब वो देखती है कि दिनेश को मेरे पति की वजह से फांसी हुई है तो उसके परिवार की सेवा के लिए वो अपने आप को पूरी तरह से डुबो देती है। तीसरा पात्र है कहानी में रतन, ये मुख्य पात्रों को उभारने वाली पात्र है, इस पात्र के कारण ही बाकी सबका कैरेक्टर खुल करके आता है। रतन के साथ इंटरेक्ट करने पर ही बाकी सब लोगों को जो चरित्र हैं उनके बारे में पता चलता है कि तो उनकी विचारधारा क्या है, उनकी सोच क्या है। भाग्य की मार से जीवन के अनेक सुख और दुख को एक साथ जीने वाला चरित्र है रतन, जो एक और जीवन की अपार सुख समृद्धि को भोगती है तो बाद में लाचारी और असहाय स्थिति का भी शिकार बनती है। जब इंदुभूषण की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है बेटे की जो इसका जो देवर है, जो एक देवर है, परिवार वाले हैं, जेठ का जो बेटा है, वो सब लोग मिलकर के भतीजा जो है इंदुभूषण का, वो सब कहते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पत्नी का हिस्सा नहीं होता है। इस तरीके से इसको परिवार से, घर से निकाल दिया जाता है, तो बहुत ज्यादा गरीबी का जीवन भी ये बाद में जीती है। निर्मल सरल निष्कपट नारी है जिसका विवाह एक अधिवक्ता से, जो कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, अधिक वय वाला व्यक्ति है, अधिक उम्र वाला व्यक्ति है, उसके साथ होता है, जिसे वह भाग्य की इच्छा मान करके स्वीकार कर लेती है। पतिव्रता नारी है, स्वाभिमानी है, उत्तम मित्र है, जालपा के साथ अच्छी मित्रता निभाती है। पति की मृत्यु के बाद रतन परिस्थितियों से समझौता करना भी खूब जानती है, अपनी परिस्थितियों के साथ वो सामना समझौता कर लेती है और वैसे ही रहना शुरू कर देती है। पाठकों की सहानुभूति की पात्र है, पाठकों की पूरी सहानुभूति उसे मिलती है। देवी दीन एक महत्वपूर्ण पात्र है, चौथा चरित्र है ये उपन्यास का, जो कि उत्तरार्ध में आता है, आधा उपन्यास बीत जाने के बाद आता है, लेकिन थोड़े समय ही ये बहुत की भावना इस पात्र के माध्यम से प्रस्तुत हुई है। ये पात्र ऐसा है कि बहुत कम रोल है इसका उसमें पूरे उपन्यास में, लेकिन
पाठक के दिमाग पर ही अपना असर छोड़ जाता है। देशभक्त है, साहसी कर्मवीर है, 60-70 साल उम्र है इसकी। बूढ़ा होता हुआ आदमी जिसकी मांस की हड्डियां तक गल गई हैं, मूंछ और सर के बाल मुंडे हुए हैं। मानव मन की सहज परख देखते ही समझ जाता है कि रमानाथ घर से भागा हुआ युवक है। सद्भावना से भरा हुआ व्यक्ति है, साहस और उत्साह उसके अंदर अपूर्व है, विनोदी स्वभाव है। उसके दो बेटों की, जवान बेटों की मौत हो चुकी है देवी दीन के। स्वदेशी का पूरी तरह से समर्थक है। इसके बाद चरित्र आता है आपका जोहरा, जो कि एक नर्तकी है, जो कुबथ पर चलने के लिए, इस गलत राह पर चलने के लिए मजबूर है। पैसे या वासना की मूर्ति नहीं है, उसे पैसा नहीं चाहिए, उसे वासना नहीं चाहिए, जीवन की परख रखने वाली विचारशील महिला है वो। रमानाथ के अनुराग से प्रेरित होकर जालपा को खोजने के लिए प्राण पर से जुट जाती है। जब उसे पता चलता है कि जालपा कलकत्ता में ही कहीं है और रमानाथ उसके लिए परेशान है, तो क्योंकि वो रमानाथ से कहीं ना कहीं स्नेह रखती है, एक तरह से प्रेम रखती है उनके लिए, तो वो जालपा को ढूंढने के लिए जुट जाती है। बाद में जब वो वापस आकर के सभी लोग साथ रहने लग जाते हैं, देवी दीन और एक जोहरा, साथ में रमानाथ, जालपा, सब साथ में रहने लग जाते हैं, वहाँ पर बाढ़ आती है, तो एक महिला जो है वो गोद में उसके बच्चा होता है, उसे बचाते हुए जोहरा जो है वो गंगा में लीन हो जाती है, गंगा में डूब जाती है। और ये एक तरीके से उसके पापमय जीवन का प्रायश्चित दिखाया गया है कि उसका पाप से भरा हुआ जो जीवन था वो खत्म हो गया, उसको पापों से उसके मुक्ति मिल गई। दयानाथ रमानाथ का पिता है, स्थिर पात्र है वो सारा, पूरे नॉवल में, पूरे उपन्यास में वैसा ही रहता है जैसा कि वो है शुरू से। ईमानदार, रिश्वत को गलत मानने वाला, दिखावा पसंद व्यक्ति नहीं है, आदर्श पर चलने वाला ईमानदार व्यक्ति है। पुत्र के विवाह पर आवश्यकता से अधिक खर्च करना उनकी नीति के विरुद्ध था, परंतु पुत्र की इच्छा मानकर उन्हें विवशतापूर्वक करना पड़ता है। पुत्र द्वारा गहनों की चोरी की घटना को स्वीकार करके बुद्धिली का प्रमाण देते हैं। जब उन्हें पता चलता है, वो कहते हैं कि ऐसा है, जालपा से गहने ले आओ, लेकिन रमानाथ कहता है मांगूंगा नहीं मैं। बाद में बताता है कि मैं चुरा कर ले आया हूँ। वो इस घटना को स्वीकार कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी बुजदिली का प्रमाण है, कायरता का प्रमाण है। एक आदर्श तब माना जाता है कि जब वो कहते हैं कि उसके गहने आओ, तुमने क्यों चुराए, उसे वापस दो, कर्ज चुकाना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि कर्ज हमने लिया। लेकिन वो पुत्र जब ला करके, रमानाथ जब पत्नी के गहने, जालपा के गहने चुरा करके ला करके दे देता है, तो वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। अगला जो चरित्र है वो है इंद्रभूषण, जो कि रतन का पति है, एक वकील है, प्रसिद्ध वकील है, साथ साथ एक समाजसेवी व्यक्ति भी है। 60 वर्ष की आयु में बड़ी छोटी आयु की युवती से विवाह करता है रतन से। रतन उसे बहुत छोटी है। रतन के लिए सदैव उसके मन में सम्मान का भाव रहा है। उसने कभी भी रतन के साथ कोई अभद्रता पूरे उपन्यास में नहीं की है। सर्वदय मानव है, अच्छा इंसान है। कहीं भी उसने कोई भी उसका कोई भी विलेन वाला कोई करेक्टर वाला जो कोई एक्ट उसने पूरे उपन्यास में नहीं दिखता है। रमेश जो है वो रमानाथ का मित्र है। सरलता, सादगी, सच्ची मित्रता के गुण से युक्त है। सरल है, सादा है, बिल्कुल सच्ची मित्रता है, दोस्ती अच्छी तरह से निभाता है। 40 वर्ष की उम्र है उसकी। शतरंज का शौकीन है। खेलने बैठ जाए तो ऑफिस जाना भी भूल जाता है। एक बार शतरंज के खेल में दोनों के दोनों साथ में बैठते हैं, रमेश और रमानाथ। तो लगातार जब रमानाथ हारता है और रमेश जीतता है, तो वहाँ साबित हो जाता है कि आगे अब रमानाथ का खराब समय शुरू होने वाला है। म्यूनिसिपैलिटी में हेड क्लर्क है, विदुर है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। रमानाथ की नौकरी वही लगवाता है उपन्यास में। सच्चे मित्र की तरह रमानाथ को रिश्वत लेने से रोकने का भी पूरा प्रयास करता है। अनुचित सहायता को सही नहीं मानता, इसलिए रमानाथ के उधार मांगने पर मना कर देता है। जब रमानाथ उससे पैसे मांगता है कि मुझे अपनी पत्नी के लिए जेवर चाहिए, तो उसको मना कर देता है। जग्गो नाम से चरित्र है, जो देवी दीन की पत्नी है। शुरू में बहुत कड़वा बोलने वाली है, परंपराओं का पालन करने वाली महिला है वो। पति की छोटी छोटी बातों पर उसे डांटती रहती है। उसके दो युवा पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में जब रमानाथ वहाँ पहुँचता है, तो रमानाथ में वो अपना बेटा ही देखती है। एक तरीके से रमानाथ के लिए उसके मन में बेटों वाला प्यार है, वात्सल्य है उसके मन में। जालपा को अपनी पुत्र वधु के रूप में ही देखती है। साहसी नारी है, जिम्मेदार, स्वाभिमानी और निर्लोभी है। लोभी नहीं है, बिल्कुल भी लालची नहीं है, स्वाभिमानी है, जिम्मेदार है। रमानाथ के सरकारी गवाह बनने पर, जब रमानाथ सरकारी गवाह बनता है और उसके लिए सोने की चूड़ियाँ लेकर के आता है, तो उन चूड़ियों को फेंक देती है। तो लालची नहीं है, स्वाभिमानी है, जिम्मेदार है, ईमानदार है। यहाँ से ही कहीं ना कहीं रमानाथ को भी इंस्पिरेशन मिलती है कि मुझे झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। उपन्यास का प्रतिपाद्य क्या है? यथार्थपरक उपन्यास है। मध्यम वर्गीय जीवन की समस्याओं पर केंद्रित उपन्यास है। दिखावे की आदत, झूठी शान, आर्थिक स्थिति, भावनाएं,
सभी कुछ मध्यम वर्ग के अंदर होती है, अक्सर दिखावे की आदत होती है, झूठी शान दिखाने की आदत होती है, आर्थिक स्थिति बहुत ही मध्यम होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है, कई बार खराब भी होती है। साथ में उनकी जो भावनाएं होती हैं किसी भी परिस्थिति में, कोई भी आम व्यक्ति, एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति क्या करेगा, वो सब कुछ उन्होंने, प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में बड़े ही बहुत गहराई से दिखाया है। आभूषण प्रियता के बहाने लोलुपता पर प्रश्न, जालपा और रतन के माध्यम से उन्होंने आभूषण प्रियता को कहीं ना कहीं एक वचन मांग दिया है कि आभूषण उतने ही के लिए उतना ही क्रेजी होना चाहिए जितनी अपनी जेब अलाउ करे, कर्ज लेकर के या ऐसे दिखावे के लिए, केवल दूसरों को दिखाने के लिए आभूषण लेना एक तरीके से लोलुपता है, लालच है। रिश्वतखोरी और कर्ज की आदत पर उन्होंने एक तरीके से जो है लिखा है, रमेश गरीबी को रिश्वत का कारण बताता है कि गरीब व्यक्ति क्या करे, तनख्वाह में परिवार का पेट भी तो नहीं पलता, एक तरीके से वो जस्टिफाई करता है गरीबी को रिश्वत का कारण बताया कि व्यक्ति गरीब है इसलिए रिश्वत लेता है। दिखावा और आडंबर, रमानाथ के चरित्र के माध्यम से दिखावा और आडंबर को उन्होंने दिखाया है कि रमानाथ का जो चरित्र है वो दिखावा पसंद है, आडंबर पसंद है, वो पूरी तरह से बड़बोला इंसान है। आर्थिक विषमता को दिखाया है उन्होंने इंदुभूषण और रमानाथ के करेक्टर के माध्यम से कि इंदुभूषण जो है वो बहुत अमीर है और रमानाथ एक तरीके से उतना अमीर नहीं है, तो उनकी आर्थिक विषमता से उनके अंदर क्या क्या कुंठाएं आ रही हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो सब उन्होंने इन प्रश्नों उन पर भी प्रश्न उठाया है। बेमेल विवाह पर उन्होंने प्रश्न उठाया है, बेमेल विवाह है इंद्रभूषण और रतन का, रतन के साथ जब उनकी बहुत कम आयु में, जब रतन थी तभी 60 वर्ष की आयु में इंद्रभूषण ने उसे विवाह किया, तो जब इंद्रभूषण की मृत्यु होती है उसके बाद संयुक्त परिवार में उसकी क्या स्थिति होती है उसको उन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया है कि किस तरीके से उसको वहाँ परेशान किया जाता है, किस तरीके से घर से निकाल दिया जाता है उसे, संयुक्त परिवार के नाम से भरे पूरे परिवार में कुछ भी नहीं दिया जाता है, और कानून का उसमें कहीं ना कहीं मेंशन किया जाता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार में परिवार के पुरुषों की पत्नियों के लिए कोई हिस्सा नहीं बनता। तो वहां पर रतन कहती है कि ये कानून किसने बताया बनाया, क्या महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, क्या महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, क्या महिलाओं का जीवन नहीं है, इस तरीके से वहां पर पूरा का पूरा डायलॉग है जो कि एक तरीके से महिलाओं की ही आवाज है, और रतन पूरा उन सभी महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है जो ऐसे संयुक्त परिवार में हैं और इस जीवन को जी रही है। पति की मृत्यु के बाद रतन बहुत असहाय हो जाती है जो कि दिखाया गया है। स्त्री शिक्षा, इस पर फोर्स किया है उन्होंने, फोकस किया है। जालपा अपनी बुद्धि और आत्मविश्वास के दम पर ही पति को कई बार संकट से बचाती है और सही राह पर भी ला पाती है। अपनी बुद्धि और आत्मविश्वास के बल पर वो अखबार में शतरंज की पहेली छपवाती है जिसे सिर्फ रमानाथ हल कर पाता है, उसे वो पैसे भिजवा देती है। बुद्धिमान है, उसके सामने जल्दी नहीं पड़ती है, जाकर के कलकत्ता जैसे शहर में भी उसको ढूंढ लेती है, उसे चिट्ठी लिख करके फेंक के बताती है कि तुम बेगुनाह हो, मैंने तो कर्जा चुका दिया था, इस तरीके की चीजें बताती है कि स्त्री शिक्षा और उसका आत्मविश्वासी होना कितना जरूरी है। वेश्या समस्या, वेश्या गमन की समस्या थी, वेश्याओं की समस्या पर प्रश्न किया उन्होंने किया। प्रेम में निराशा के कारण, आर्थिक तंगी के कारण और कभी कभी गलत हाथों में पड़ जाने के कारण बहुत सी लड़कियां वेश्याव्रति करने के लिए विवश हैं। इस पर भी उन्होंने अपना पूरा स्टेटमेंट दिया है उपन्यास में, और जोहरा के माध्यम से एक वेश्या के लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं, किस तरीके से वो ये नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होती है, ये सारी की सारी समस्याएं उन्होंने कहीं ना कहीं उजागर की। स्वदेशी की भावना को ले आए हैं यहाँ पर बड़े छुपे हुए में ही, क्योंकि इनके ऊपर, प्रेमचंद के ऊपर बेटा केस हो गया था, पुलिस केस हो गया था, इनका कंटेंट जब्त करने लगे थे अंग्रेज, तो वो अपना जो भी चीजें थी उनको छुपा करके लिखा करते थे। देवी दिन विदेशी वस्तुएं खरीदने वालों की निंदा करता है। स्वदेशी की भावना जो थी, प्रेमचंद जी का जब कंटेंट जब्त हो गया था तो उन्होंने सिंबॉलिक वे में लिखनी शुरू कर दी थी कई बार, और कई बार वो छोटे छोटे हिस्सों में डाल देते थे क्योंकि उतना मोटा उपन्यास कई बार अंग्रेज पूरा नहीं पढ़ते, तो बीच में उनकी भावनाएं ये आ जाती हैं। तो देवी दिन जो है वो विदेशी वस्तुओं के लिए बिल्कुल घोषणा कर देता है कि घर में कोई भी चीज विदेशी नहीं आएगी, कहता है खुद के मेरे दोनों बेटे इसकी बलि चढ़ गए, विदेशी वस्तुओं की बलि चढ़ गए, स्वदेशी आंदोलन की बलि चढ़ गई हैं, मैंने घोषणा कर दी थी कि कोई भी विदेशी सामान घर में नहीं आएगा, और मजाल है उसके बाद एक दिया सलाई भी घर में आई हो, तो ये पता चलता है कि देवी दिन जो है वो विदेशी वस्तुएं खरीदने वालों की निंदा करता है। पुलिस के भ्रष्टाचार पर भी यहाँ पर प्रश्न उठाया कि पुलिस किस तरीके से, पता भी चल जाता है कि रमानाथ के जो गबन के पैसे हैं वो जालपा ने चुका दिए हैं, लेकिन वो रमानाथ को नहीं बताते हैं, उसे झूठी गवाही देने के लिए मजबूर करते हैं, और ये सारी की सारी चीजें पुलिस के भ्रष्टाचार को उजागर कर। भाषा हमेशा प्रेमचंद जी की सरल सहज रही है, व्यंग्य का प्रयोग खूब करते हैं, कटाक्ष करते हैं खूब, मुहावरे और लोकोक्तियों का भी भरपूर प्रयोग करते हैं प्रेमचंद जी अपने लेखन में,
विवेचनात्मक शैली होती है। इनकी पात्रों की मनोस्थिति और परिस्थिति को स्पष्ट किया है तथा उसका कारण भी साथ के साथ बताते जाते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा क्यों सोच रहा है उसे हर जगह वो जस्टिफाई करते हुए चलते हैं। पत्रात्मक शैली का भी इस्तेमाल किया है। कहानी को उन्होंने पत्रों के माध्यम से भी जगह जगह बढ़ाया है। रमानाथ का घर छोड़ना, घर छोड़ के जाता है तो पत्र लिख करके छोड़ के जाता है। जालपा का सखियों को अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बताना, वहां से पता चलता है कि वैवाहिक जीवन में जालपा कैसा महसूस कर रही है। रतन का जालपा को अपने पति के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना, तो रतन अपनी जालपा को अपने पति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देती है, वहां से उसकी मनोस्थिति का, उसके फिजिकल कंडीशन का पता चलता है। जालपा का रमानाथ को अपने बेगुनाह होने की जानकारी पत्र के माध्यम से ही देती है, फिर करके पत्र कि तुम बेगुनाह हो, तुम किसी झूठी गवाही को देने के लिए राजी मत होना। तो ये सारी की सारी जो कहानियां हैं पत्रात्मक शैली से बढ़ रही हैं। काव्यात्मक शैली है प्रेमचंद जी की। बरसात के दिन है, सावन का महीना, जैसे प्रकृति वर्णन करते हैं, वो प्रकृति का वर्णन करते हैं, पात्रों की मनोदशा करते हैं काव्यात्मक शैली में। संवाद शैली है, जैसे नाटक में होता है, आमने सामने संवाद लिखे जाते हैं, उससे क्या होता है कि कंटेंट की रोचकता बढ़ जाती है, पढ़ने वाले पर प्रभाव बढ़ता है, और जल्दी जल्दी डायलॉग आते हैं तो लोग पढ़ते भी जल्दी जल्दी हैं, तो कहानी जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है। चरित्र चित्रण आसानी से हो जाता है, कथा का विकास बहुत जल्दी होता है। प्रेम प्रसंग में खास तौर पर संवाद शैली जो होती है वो ज़्यादा असरदार लगती है, और हास्य व्यंग में भी संवाद शैली बहुत ज़्यादा कारगर होती है, क्योंकि लोग हंसते टाइम बीच में किसने क्या कहा नहीं सुनना चाहते, डायरेक्ट डायलॉग सुनना चाहते। ये थी हमारी गबन की पूरी जो है इकाई 3, गबन प्रेमचंद। अगली इकाई हम अलग वीडियो में कर लेंगे, वरना बेटे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इतने आप इसको देखिए, उसके बाद हम अगली वीडियो बनाएंगे। हैव अ ग्रेट डे अहेड बेटा। जय हिंद, जय भारत।